डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना हो, डगरिया जो हत ना हरी बीतत बाटे अठ पहरिया हो, डगरिया जो हत ना हरी के लगौले हमर अरिया में तनरिया हो, डगरिया जो हत ना हरी दुख में होता जोत सरिया हो, डगरिया जो हत ना हरी कहो तो भिखारी मनवा करे हर घरिया हो, डगरिया जो हतना हरी देखती रहती अठ पहरिया हो, डगरिया जो हतना। प्रणाम, हम अतुल राय, आप सब बड़ भाई भैया बहन के पैर छू के प्रणाम करते नहीं। पहले बिनई श्री गणेश, बादे उमा और महेश, आम के लकड़ी परास के दोना, कवि जी के घर हटे बलिया के कोना। हम पंकज दोक्ती बलिया से आप सबके प्रणाम करतानी। हम प्रभास मिश्र, एक माँ छपरा के रहे वाला, सभे भोजपुरिया भाई लोग के गोड़ लगतने। ये हमारा सौभाग्य के बात बा कि हम भोजपुरी के महानायक भिखारी बाबा के गृह जिला से बने। सबके प्रणाम, आ जाए भोजपुरी। हम अनूप श्रीवास्तव देवरिया वाला फिलहाल दिल्ली से बोलत बानी। हम आदित्य राजन, जिला कुशीनगर गोरखपुर के रहे वाला बानी, अपन सगरो भोजपुरिया भैया लोग के भाई लोग के प्रणाम करते हैं। हम तरुण कैलाश बोल रहा बानी, कैलिफोर्निया अमेरिका ले। सबसे पहले आखर परिवार और पूरा भोजपुरी समाज के हम गोर लगाते हैं। प्रणाम, हम शशि रंजन मिश्रा दिल्ली से, मन के बात करे के तकेर बात, मन भर आ भर मन। हम रवि प्रकाश सूरज आरा से बोल रहल बानी, हम सबसे पहले आखर परिवार के बधाई दे रहल बानी, जे ऐसन सुंदर कार्यक्रम मन के बात लेके आगे बढ़ रहल बा। जय भोजपुरी, सब केहू के प्रणाम करतनी। हम सुनील बलिया से। जी, हम उदय नारायण सिंह, रिविलगंज छपरा से, अपन मन के बात सब यार संगतिया लोग के सोझा रखे के चाहते हैं। भिखारी बाबा, इस संयोग बा कि हम छपरा उनका कुतुबपुर घर से मात्र 35 किलोमीटर दूर पर हम बानी। प्रणाम रुवा सबन के, हम अजीत तिवारी दिल्ली से अपना माटी के नमन करत, वही माटी पर जन्मल भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी बाबा के चरण कमल में अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करत बानी। सब केहू के नमस्कार, हमार नाम जलज कुमार अनुपम हवे, घर हमार बेतिया बिहार में पड़ेला। प्रणाम, हमार नाम अनिमेश कुमार वर्मा। जय भोजपुरी, हम नवीन कुमार बलिया से। प्रणाम, हम संजय कुमार सिंह पंजवार सिवान से। प्रणाम, हम अमित मिश्र डुमरा से। हमनी के जानते हैं कि हमनी के आज भिखारी ठाकुर जी के बारे में कुछ कहे के बा, तो हम बहुत कुछ तो ना कहे लायक नहीं थी, हमारा औकात नहीं है वो महान आत्मा के बारे में कुछ कहे लायक, लेकिन जौन भी जानकारी हमारा बा अभी तक लेके अनुभव बा, ओकरा के हम साझा करते नहीं। भिखारी ठाकुर जी के बारे में हम सबसे पहले जननी जब लइकाई में तनी तनी मन पड़ता, जब गांव में कोनो नाच आवे, सरस्वती जी लक्ष्मी जी के मूर्ति रखाओ, तो उमे लइका कह सके अरे आज राती खा विदेशिया के नाच आवे लावा, या विदेशिया के नाटक मंडली आवे लिबिया, या विदेशिया के नाटक होखे वाला बा। तब हमारा ये शब्द बहुत गहराई ले गई, विदेशिया जाई नाच देखी, नाच गाना होके कुछ ढेर ना बुझाओ, घरे आई तो एक दिन उत्सुकता बस पिताजी से पूछनी कि पिता डेरात डेरात वो घड़ी उतना लैका में तो डर ना रहे, बाद में नू तनी जियतार भैला पर डर हो ढेर भय, तो पूछनी कि पिताजी विदेशिया का है, तो वहाँ के कुछ देर तो हमारा के देखनी ऊपर नीचे, फिर समझौनी बुझनी हमार भावना, तो समझौनी वहाँ के कि देख विदेशिया एगो नाटक के शैली है, नृत्य के जो नाच आवता शैली है, इस सब के प्रणेता हई, चालू करे वाला हई भिखारी ठाकुर जी, जौन यहाँ जौना के वहाँ के चालू कैले बनी, तो इहे सब पहला बेर हम नाम सुननी पिताजी के मुँह से भिखारी ठाकुर।
अब धीरे धीरे वहाँ के नाटक भी बहुत देखनी बड़ होत गईनी, नाटक हर जगह होत रहे। तो उमे देखनी हम बेटी बेचावा, भाई विरोध, ये नाटक देखनी ओकर तुलना हम दोसरका जो नाटक होता रहे सा होत रहे सा उस समय में आधुनिक जमाना में, ठाकुर हवेली, हीरो हीरोइन, हीरो हीरोइन उहू में रहे, प्यारी से लेके सब विरह हर चीज़ ओहू में रहे। आ यू के हम तुलना कैनी तो हमारा बुझाई कि एगो बिना पढ़ल लिखल आदमी जेकरा अंदर अपना भाषा अपना समाज के कुरीति के लेके का भावना रहे उ कोना रूप में ओकरा के प्रेजेंट कर तारंगी वहाँ के कैले बानी, तो वहाँ के हमारा ताकत के उ महान आत्मा के महत्ता के उस समय पता चले लागल धीरे धीरे कि वहाँ के का भावना बा का रहे। वहाँ के कलाकार तो रहबे कैनी, हमारा नज़र में वहाँ के एगो समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, सुकरात जैसन ही वहाँ के हमारा नज़र में एगो समाज सुधारक बानी। रुआ वहाँ के कोनो नाटक देख ली, कोनो गाना देख ली, ये रूप रुआ सबके वो में जरूर मिली। फिर धीरे धीरे हमारा उतना तो ना भइल इतना हो गई, बाद में 2008-09 में आरकुट के माध्यम से हम नवीन भैया से जुड़नी, बाद में फिर फेसबुक वहाँ से जुड़नी। धीरे 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 हमहूँ तनी अपने तरफ से खोजे लगनी, कुछ किताब मिलल हमारा के आखर पेज पर भैया के माध्यम से, वो में कुछ धीरे धीरे पढ़े लगनी, जीवनी पढ़े लगनी। तो आज के डेट में वहाँ के ई स्थान बा कि ऐसा कोनो दिन ना होके जो भोजपुरी के नाव होके और हमनी के हमारा नज़र हमारा याद में भिखारी ठाकुर जी के नाम ना आवे हमारा दिमाग में। तो यही से वो पुण्यात्मा के हम सम्मान देते हुए वहाँ के बार बार नमन करतानी आ गर्व करतानी कि वहाँ ऐसा आत्मा के भाषा बोले वाली भोजपुरी हमरो मातृभाषा है। वहाँ के नाटकन के, वहाँ के गीतन के, वहाँ के हर चीजन के माध्यम जौन भाषा है वो हमरो भाषा है, मातृभाषा भोजपुरी। नवीन भैया और आखर के बाकी लोग के सदस्य भाई लोग के धन्यवाद बा कि मन बात के अवसर मिलल बटे। और आखर पर हम लिखले भी बानी, आप सब पढ़ले भी हो कि बहुत से भोजपुरी होला तो बहुत से भी है ठाकुर भी होला, वहाँ के हमनी के पर्याय हैं। ऐसा ऐसा भिखारी हैं एक बिना हमनी के भिखार बनी जा। यही भिखारी ठाकुर के कारण हमनी के साहित्य, हमनी के संगीत, हमनी के लोक, हमनी के खेत, हमनी के सिवान समृद्ध बाटे आज। एक ही बात कहब कि आज तक वहाँ के साहित्य के संगीत के समग्र मूल्यांकन बाकी बाटे, के वहाँ के शेक्सपियर कहल, के वहाँ के बेक कहल, लेकिन जहिया समग्र मूल्यांकन हुई, जहिया संजीव लेखक कोनो आदमी वहाँ के ढूक के लिखी, तब समझ में आई कि वहाँ के जायसी भी हैं, कबीर भी हैं, गायक भी हैं, वादक भी हैं, कवि भी हैं, और सबसे बड़ा बात की एगो संवेदनशील इंसान भी हैं अपना असली हीरो के नमन। आज के जो मुद्दा बोले के बाद तौन बा भिखारी ठाकुर, और हमरा सबसे पहले ये बात ध्यान में आवा था कि हम कितना जाने तो नहीं भिखारी ठाकुर जी के बारे में, तो सच बात कहीं हमरा ज़्यादा पता ना रहे। लेकिन जब से अपन संस्कृति अपन भाषा खातिर हम तनी ज़्यादा वो में इंटरेस्ट लेबे लगनी, ओकरा बारे में जागरूकता हमार बढ़ल, ओकरा बादे ले हम भिखारी ठाकुर जी के जननी, तब पता चलल कि हमनी के लोक रंग में, हमनी के लोक कला में कितने बड़ बड़ और ऐसन ऐसन महान विभूति लोग भइल बाड़े। लेकिन हमरे नियन कितने और लोग हुई हैं चौना लोग के अभी भी भिखारी ठाकुर के बारे में इसको पता ना हुई। पूर्वांचल के बात छोड़, बाहर के बात छोड़ दी, पूर्वांचलों में काजा ने कितना लोग जानत हुई। ये बात सुन के हमारा मन में तो नहीं अफसोस होला, और अफसोस के साथ साथ यो सोचे नहीं कि का कह जा सकेला कि लोग भिखारी ठाकुर जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ना खाली जानो, बाकी ऐसा ऐसा और भिखारी ठाकुर जैसन सपूत रंगकर्मी लोग के सृजन होखो। तो पाठ्यक्रम में रह के चाहिए, हमारा इन्हें के पता कि बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बा कि ना, लेकिन खाली प्रादेशिक बोर्ड ही का है ये राष्ट्र। जब हमने के उनका के कहे नहीं जा कि वहाँ के भोजपुरी के शेक्सपियर हैं, तो वहाँ के फैन विश्व स्तर पर नाम होके के चाहिए, तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो जरूर होके के चाहिए, तो किताबन में जरूर ले आवे के चाहिए। एक अलावे
आम जनमानस में एगो जागरूकता के जरूरी बा कि बनावल जाओ वहाँ के नाम पर कम से कम कुछ। हमरा ही पता बा कि संस्था बहुत सारा पुरस्कार तो जरूर वितरित होला, लेकिन के उनका के प्रासंगिकता नहीं के आज के जौन आधुनिक जमाना बा, बा जौन हमनी के आधुनिक पीढ़ी भी है उन्हीं के कितना भिखारी ठाकुर जी के बारे में पता बा, तो ओकरा के प्रासंगिक करे के पड़ी। वहाँ के जौन विदेशिया नाटक बा और जौन वहाँ के गीत रचले बानी उ कुल के तनी आधुनिक रूप या ओकरा के कॉन्टेम्प्ररी बना के प्रस्तुत करे के जरूरत बा। हो सम्हरणी तब से भिखारी बाबा के हम सुनत आवतन संयोग भइल कि कई गो मंच पर उनकर कार्यक्रम के प्रस्तुत करे के भी मौका मिलल। साहित्यिक जौन उनकर रचना बा अध्ययन के बाद हमें पहले बने कि हर चीज के समीक्षा भइल बा उनका पर, लेकिन उनका प्रकृति प्रेम पर, उनका प्रकृति के एक एक मुद्दा पर जोन पकड़ रहे, उनकर जोन आपन दृष्टि रहे, ऊपर अभी तक हमारा लेख पढ़े के या सुने के भी चर्चा में ना मिल रहे। भिखारी जी ठाकुर जी के जोन विदेशिया में 12 मासा बा, हमने यहाँ परंपरागत तो 12 मासा बहुत मिलेला, लेकिन वो 12 मासा के अगर समीक्षात्मक देखल जाए, तुलना कल जाए परंपरागत गीतन से, तो कोनो भी दृष्टि से एको पसंगा कम ना भेटाई भिखारी जी की रचना वो परंपरागत 12 मासा से। अब आवेला आषाढ़ मास जिया उठे हुक खास, बरखा में पिया घरे रहते बटोहिया। अब आषाढ़ मास हम समझते नहीं कि सीजन चल रहा बा, रुओ लोग तनि महसूस करी चारों तरफ बादर घेरले होके करिया करिया बादर, रहरा के रिमझिम के बरखा बरसात, आ ओमें रात के नायिका के दर्द, आ ओकरा के जो ना ढंग से साहित्यिक रूप दे के वहाँ के बयान कैले बनी। हमनी के परंपरा में वो गीत बा, सावन हे सखी सर्वे सुहावन, रिमझिम बरसेला मेह हे, सबके बलम सखी घरे घरे अले मोर पिया परदेश है। ओरियन ओरियन हम धनी भीजी ले, पिया भीजेले कोना देश है, बरखा जे बरखेला बिजुरी जे चमके, उठे जेरा में कलेश है। ओ तुलना में आवेला आषाढ़ मास जिया उठे हुक खास, बरखा में पिया घरे रहते बटोहिया, हमारा लागत है कि कोनो मायने में कम नहीं है। हाँ एगो चीज कहें, खैर तुलना तो अभी पर बहुत बढ़न बात हो जाए, बहुत समय लगी। भिखारी ठाकुर जी खातिर हम सब कोई से जितना भी भोजपुरी के प्रति समर्पित लोग बा, जागरूक लोग बा, यहाँ तक कि हम प्रशासन सरकार बिहार सरकार यूपी सरकार सब कोई से कहें कि एगो पहल कर जा कि औसन भोजपुरी खातिर एगो जो प्रकाश स्तंभ बा भोजपुरी के, जो मानक बन गए देखते देखते, ओ आदमी के जो घर बा कुतुबपुर में, ओकरा के राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करावल जाए। राष्ट्रीय स्मारक अगर हो जाता तो भिखारी ठाकुर जी ताउम्र ना बल्कि अमर हो जाए, हमने के आए वाला पीढ़ी के लैकन खातिर एगो बहुत बड़हन चीज भविष्य में देखे के मिली। भिखारी ठाकुर जी के घर कुतुबपुर राष्ट्रीय स्मारक रूप में स्थापित करावे खातिर पहल जितना हुई, हमने के लागत है कि वो बहुत बढ़न वहाँ खातिर काम करम सा, आ वहाँ के श्रद्धांजलि के रूप में ये आज वचन दियाओ या फिर हमने के कसम लियाओ कि हमने के एक खातिर लागेब सा, आ वहाँ के घर के राष्ट्रीय स्मारक के घोषित करावे खातिर प्रयत्न करम सा, बस ये कहे। सबसे पहले तो हम ए मन के बात के शुरुआत करे वाला नवीन भाई या उनकर पूरा मंडली के धन्यवाद कह, कहे कि ये वो ऐसा मन के बात बा जौना में सभे सबका के सुने या सुनावे के बराबर मौका मिलत बा। वो एगो बरियार चर्चा के साथे भिखारी ठाकुर ई नाव हम पहला बेर 13 मई 1989 में सुनले रहनी। तारीख ऐसे याद बा कि वो दिन हमने के
रंगभूमि नाट्य मंच के ओर से मुंशी प्रेमचंद के वो नाटक रहे सवा शेर गेहूं, वही के मंचल कह रहे रहनी सन। ओकरे ठीक बाद एक जने पुरनिया आके पीठ ठोकलन आ कहलन कि ते कुल भिखारी ठाकुर के नाटक कर सन। हमने के हाथ कह दिल रहने सन, बाकी फिर बात आवल गई हो गई आ जिंदगी के भाग दौड़ में भुलाई हो गई। ओकरे करीब 15 बरिस बाद गोरखपुर में एगो पत्रकार मित्र अमितेश जी के मुंह से नाव सुननी, तब तनी जिज्ञासा भइल। बाकी सही जानकारी अगर कहल जाओ तो 2009-2010 में जय भोजपुरी के सोशल साइट पर जुड़ला के बादे भइल। आ तब बुझाइल कि हम कौने नाव कौने शख्सियत के नगीज पहुँचत पहुँचत फर्क हो गए नहीं। आज जब बोले के भइल हुए तो हम ये कहे जात रहने कि हम वो भोजपुरिया भागा हैं जौन भिखारी बाबा के बारे में कुछ ढेर नहीं जानत। बाकी संजोग कहले के हमरे बोलला के ठीक पहले अब भाई नवीन जी या शशि रंजन जी के आदि सुने के मिलल तो कह सके नहीं कि अब एगो राय धरा गल बा आ पढ़े के सुने के सीखे के देखे के सिखावे के बतावे के बहुत कुछ अब एगो रास्ता लौकता राय लौकता। एक बात हम ये कह जाब कि भिखारी बाबा निहर महापुरुष जब जब समाज के जगावे या सुधारे के कोशिश कैले बा तत्कालीन समाज से बहुत अपमानितो भइल बा। आ फिर समय बीतला के साथे साथ लोग बुझल शुरू करेला जानल शुरू करेला आ इज्जतो करेला। तो बाबा पे दूगो लाइन सुना के अपन ए बात के विराम दे चाहब कि जैसे कोनो घायल पंछी जैसे कोनो घायल पंछी ऊंचा भरे उड़ान सही सही के अपमान है बाबा सही सही के अपमान है बाबा तू कैला कार महान। जब हम छोट रहने तो अपना बाबा परदादा लोग से वहाँ के बारे में तनी तनी सुनी, बाकी जस जस सियान भयने तो वहाँ के बारे में जानकारी बढ़ल। हम जब पहला बेरी छपरा में वहाँ के नाम पर चौक आ वहाँ के वो जी मूर्ति देखें तो लगवे कि वहाँ के साँचो कोनो बढ़न आदमी होखें। वो घड़ी हम छठा छाया सतवा में रहल होखें तबले हमरा खाली इहे मालूम रहुए कि चौक चौराहा पर बड़ बड़ नेता क्रांतिकारी लोग के मूर्ति लागल। वहाँ के बारे में जानकारी बढ़त चल गई आ नहीं छो हर जानकारी के संगे बढ़त चल गई। अब तो ऐसा लागल कि हमरा मुँह से कबो गलती से भिखारी बाबा के जगह भिखारी ठाकुर जन निकल जाओ ऐसा अपनापन हो गई बा। साँच पूछी तो हमरा मन में वहाँ के ऐसा जगह बना ले ले बने कि लागे लागे भोजपुरी के पर्याय हैं। ऐसा समय में जब भोजपुरी के घर में कुछ कुछ अनहार भइल रहे वहाँ के ललटेन जरा के घर के अनहार भगैनी आ हमने पीढ़ी खातिर अजोड़ के दिया जरैनी। वहाँ के एगो प्रकाश स्तंभ बानी हमने खातिर वहाँ के प्रेरित होके के गर्व महसूस होला। वहाँ के रचना एकदम खांटी आ आम आदमी के बोलचाल के भाषा में भइल रहे। वहाँ के भोजपुरिया समाज में फैलल अंधविश्वास आ सामाजिक मुद्दा के बड़ी नीमन ढंग से अपना नाटक आ कीर्तन में वहाँ के उठा के बहुत लोग के जागरूक कैने। सामाजिक मुद्दा पर एक बढ़ियार आवाज रहनी है वहाँ के नाटक सामाजिक ताना बाना के सुंदर चित्रण कैले बाबे। वहाँ के बारे में जितने सुनी ले पढ़ी ले मन ना आघाला बहुत कुछ और जाने के बाद
वहाँ के बारे में हमेशा कोशिश रही कि वहाँ के बतावल रास्ता पर डेगे बढ़त रहें। वहाँ के 44वां पुण्यतिथि 10 जुलाई के बाद हम वहाँ के पुण्यतिथि पर रुढ़ायल गला से गोड़ लगत नहीं बाबा रुआ हमेशा हमारा जिया रह गए लगे रहे। आज महान लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि है। भिखारी ठाकुर इनका जन्म 18 दिसंबर 1887 के छपरा के कुतुबपुर गांव में भेल रहे और देहावतान 10 जुलाई 1971 में। कोनो व्यक्ति के जन्मदिन या पुण्यतिथि मनावे के पीछे तो सबसे बड़ कारण होला वो कारण यह होला कि वो व्यक्ति के यह देश दुनिया समाज में का योगदान रहे अपना कृति के माध्यम से। हमनी के गौरव बटे कि हमनी के सांस्कृतिक विरासत में कि एगो महत्वपूर्ण पहलू एगो महत्वपूर्ण कड़ी भिखारी ठाकुर जी बानी जिनका पर पूरा भोजपुरी संस्कृति भोजपुरी समाज के गर्व बा और ये गर्व आगे भी इसी तरह बना रहे। कहाँ से कि जौन चीज भिखारी ठाकुर जी अपना नाटकन के माध्यम से अपना जीवन के माध्यम से समाज में देनी आज ही हमनी के प्रेरणा दे रहा। ये अलग बात बढ़े कि आज भोजपुरी के लेकर के तमाम चर्चा चल रहा बटे अश्लीलता से लेकर के और भी बहुत चीजन के लेकर के चर्चा हो रहा है, लेकिन हमनी के अगर अपने अतीत देखी जाए तो बहुत कुछ अगर देखी जाए देखा खाली अगर भिखारी ठाकुर जी की अगर समझे की कोशिश की जाओ वहाँ के बारे में जानकारी लिखल जाओ तो हमारा लगा था कि अकेले एगो ऐसा बड़ी बड़े भिखारी ठाकुर जिनका लेके हमनी के आगे बढ़ सकें जा और गर्व कर सकें जा कि हमनी के भोजपुरी कितना समृद्ध और सशक्त लिया। भिखारी ठाकुर सबसे बड़ा उनका योगदान हमारा ये महसूस होगा ये लगेगा कि समाज के प्रति जो पैनी नजर रहे जो समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व है सामाजिक सरोकार रहे उनका गीतन में नाटकन में वो अद्भुत है और उन्हें आज हमनी के गौरवान्वित करेला वहाँ के जो देहनी अपना नाटकन के माध्यम से वही चीज़ के लेकर के बहुत गर्व महसूस करेला पूरा भोजपुरी समाज भोजपुरी संस्कृति भिखारी ठाकुर के। अगर हम चर्चा करें विदेशिया नाटक के सबसे पॉपुलर नाटक विदेशिया जो के पहले नाम रहे बहरा बहार। विदेशिया नाटक मूल रूप से नारी संवेदना नारी अस्मिता और पलायन के दर्द के कहानी है। एगो नायक अपना पत्नी के शादी करके लिया होता और रोजगार के तलाश में वो कलकत्ता जाना तो गरीब विदेश कह जाते हैं कमाए चल जाता तो गैला के बाद गांव घर में जो स्त्री छूट जाती है पत्नी छूट जाती है प्यारी ओकर दुख दर्द बेचैनी पूरा समाज एकदम झकझोर दे जाते और वहाँ गैला के बाद विदेशी के का परिस्थिति रहता उस चीज़ के लेकर के जो वर्णन विदेशिया में भेल बटे निश्चित रूप से संवेदना के कारण झुंकित कर देना विदेशिया ने जब वो प्यारी विरह वेदना में तड़प दिया और बटूही से अपन संवाद कर दिया अपने बारे में बता दिया करिते गवनवा भवनवा में छोड़ी कर अपने परैला पुरुबवा बलमुआ कई कैली चुकवा की छोड़ा ला मुलुकवा तू कहला न दिलवा के हलिया बलमुआ। बटूही गीत सुन के इस संवाद सुन के एकदम दिलस प्रकट है और प्रण करते हैं कि हम एक दिन विदेशी के जरूर खोज के लेके आए। इतना मार्मिक वर्णन नारी के जौन दर्द बटे जौन बेचैनी बटे जौन छटपटाहट बटे वो भिखारी ठाकुर जी अपना नाटकन में गीतन में बड़ा जोरदार तरीका से उठौले बड़े। और एगो चीज़ हम यहाँ कहते खाली दर्द और बेचैनी के ना बल्कि नारी संघर्ष से भी बहुत जोरदार तरीका से भिखारी ठाकुर जी आगे ले बढ़े और आज जब हमनी के नारी अस्मिता के नारी सशक्तिकरण के नारी संवेदना की बात करते हैं तो गबर घिचोर नाटक जरूर याद करेगी चाहिए जाना में घिचोर लड़का बटे ओकर बाप टू गो बड़े माँ तारी एगो बिया और लड़का के लेकर के संघर्ष हो रहा लड़का हागे कर तो आज के डेट खाती आज के समय खाते वो चुनौती बटे वो
जौन बोल्डनेस जाना तरीका तो लड़की नारी अपना बच्चा के लेकर गया और तर्क दे रहा दिया कि घर में रहे दूध पाँच सिर केहू जोरन दिहल एक धार आ का पंचायत फोखत बा दिवसाखे भइल हमार। तो इस तरीका के जौन प्रस्तुति बटे सामाजिक सरोकार और समाज से जुड़ल जौन रचना बाड़ी के भिखारी ठाकुर के ये वजह से आज हमने के वहाँ के याद करते जा भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा नाटक में बहुत मार्मिक नाटक बटे बेटी बेचवा जाना में कम उम्र के लड़की के शादी लगभग 15-16 साल के लड़की की शादी 90 साल के पूर्व से हो जाते थे और का कमाल के चित्रण भिखारी ठाकुर जी के लिए बने कि 4.5 के दूना कहके ओमे दू के गुना कहके ओकर पच गुना बर्बाद खोजल है बाबू जी। और आदि का कहती लड़की कि साफ कई के आंगन गली के छिपा लोटा मली मली के कवना करनावा में चुकली हो बाबू जी। एकदम प्रकाष्ठा पर ले जाकर के दर्द के अपना बेचैनी के और एगो सवाल इस समाज के सामने खड़ा करते रहे भिखारी ठाकुर जो उनकी बेटी बीचे के जन प्रथा रहे। ये कुछ और बटे कि साहित्य कला संस्कृति के कितना महत्व वाला समाज में ये चीज भिखारी ठाकुर के नाटक ये देखले रहे वो आजो जो बड़ बुजुर्ग बटे वो बतावेला कि उस समय शारदा एक्ट आए रहे बाल विवाह रोके खाती ओकर कौनो असर ना पड़ल समाज में लेकिन बेटी बेचवा नाटक जहाँ जहाँ गई जाना जाना गांव में वो नाटक के मंचन भेल लोग अपन बेटी बेचल बंद कर रहे। तो ई प्रभाव रहे भिखारी ठाकुर के समाज पर उनका नाटकन के समाज पर और कहीं ना कहीं समाज के ही प्रेरणा लेकर के भिखारी ठाकुर जी अपन नाटक अपना नाटकन के रचना भी करते रहे। एगो चीज और हम कहा कि सामाजिक सरोकार ही कोनो व्यक्ति के महान बनावेला और आज भिखारी ठाकुर के प्रासंगिकता यह बटे कि वहाँ के अपना नाटकन के माध्यम से गीतन के माध्यम से समाज के एगो दिशा देनी समाज के एगो नया आयाम देनी आकार देनी और हमने के आज नतमस्तक बने जाए वहाँ के कृति के आगे और आगे भी वहाँ के वहाँ से प्रेरणा लेकर के वहाँ के गीतन के नाटकन के और आगे विस्तार करे के कोशिश कीजिए। भिखारी ठाकुर एगो ऐसा नाम बा जकरा बारे में कुछ कहल कुछ बतावल एकदम सूरज के दिया देखावे लेखा हुई जहाँ ले हम आपन बात करें तो हम अभिन ओ लायक नहीं थी जे बाबा के बारे में कुछ कह सकी आ हमरा अभिन ढेर जानकारियों नहीं थी वहाँ के बारे में कुछ कहे खातिर लेकिन बात चलल बात तो कहल जाए जहाँ ले हमार जानकारी बटे भिखारी बाबा पहला ऐसा व्यक्तित्व रहनी है जे अपना रचना अपना गीतन के माध्यम से भोजपुरी समाज में फैलल कुरीति जैसे दहेज प्रथा बाल विवाह महिला उत्पीड़न ये सब के विरोध में अपन आवाज बुलंद कैल रहनी है। ये हमारा जानकारी में ये बात पड़े शायद कि वह के पहला ऐसा आदमी रहने जो इस तरह के काम कैल रहनी बाकी पहले महेंद्र मिश्र जी के गीत रहे ये सब रहे वहाँ के वह सब बढ़िया काम कैल रहनी जान लेकिन वहाँ सब के गीतन में ये बात नहीं रहे जो भिखारी बाबा के गीतन में रचना में ये सब जौन बात रहे समाज में फैलल कुरीत के विरोध में जौन रहे सब बात भोजपुरी खातिर जौन काम जौन त्याग तपस्या बाबा कैले रहनी है वैसा काम केहू अभी कैले नहीं खे ना केहू कह पाई वहाँ के वो अटल ध्रुव तारा लिखा बानी जे भोजपुरिया आकाश में हमेशा चमकत रही। हमार बस एगो अपील बा जौन पहले की राजीव भैया अमित भैया ये सब जन कहनी है जान कि ये धन के सहेज के रखने की जरूरत नहीं खे अपना भोजपुरिया समाज में ढेर ऐसा लोग बा जे वहाँ के नहीं खे जाना युवा पीढ़ी तो जनते नहीं खे ढेर अक्सर हम देखले बानी कि युवा पीढ़ी जौन बाटे हमने के जौन वर्ग बाटे ढेर लोग वहाँ के बारे में नहीं खे जानत ई काम हमने के बाटे कि भिखारी बाबा के अपना समाज से परिचय करावल जाओ ई भोजपुरी के स्वस्थ दशा खातिर बहुत जरूरी कदम बटे एक सहेज के रखला से ई काम बनी ना ई धन और ई घटते जाई एगो ऐसा धन बटे जेकरा के बाटल सब में बाटल जरूरी बटे वहाँ के बारे में बतावल भिखारी बाबा के काम के बारे में वहाँ के रचना के बारे में बतावल बहुत जरूरी बटे। आजकल जो अश्लील सब गाना चलत बड़ी सन लोग गावत बटे कलाकार कहता अपने लोग के अश्लील गाना गा के
तो ये लोग के दबावे खातिर ये एगो बढ़िया माध्यम बटे कि भिखारी बाबा के गीतन के प्रचार कर जाओ, वहाँ के रचना के प्रचार कर जाओ। अंत में हम अपना ओर से भिखारी बाबा के एगो श्रद्धांजलि के तौर पर वह के वो गीत एगो बाटे जौन वह गीत बाटे हम गावत नहीं। हमरा बलम जी के बड़ी बड़ी अखिया से, हमरा बलम जी के बड़ी बड़ी अखिया से, चोखे चोखे बाड़े नैना कोर रे बटोहिया। हमरा बलम जी के बड़ी बड़ी अखिया से, चोखे चोखे बाड़े नैना कोर रे बटोहिया। उठवत बाड़े जैसे कतरल पनवा से, उठवत बाड़े जैसे कतरल पनवा से, उठवत बाड़े जैसे कतरल पनवा से, नकिया सुगनवा के ठोर रे बटोहिया। हमरा बलम जी के बड़ी बड़ी अखिया से, दतवा शोभे जैसे चमके बिजुलिया से, दतवा शोभे जैसे चमके बिजुलिया से, मुछियन भवरा गुजरे रे बटोहिया। हमरा बलम जी के बड़ी बड़ी अखिया से, चोखे चोखे बाड़े नैना कोर रे बटोहिया, चोखे चोखे बाड़े नैना कोर रे बटोहिया। मन के बात करे के तखेर बात, मन भर आ भर मन, का कही कहाँ से शुरू करी कुछ बुझात नहीं है। बाकी आज के मन के बात के जो विषय मिलल हो भिखारी ठाकुर, तो आज उनके से शुरू कर जाओ। भिखारी ठाकुर से हमारे को खास परिचय ना रहे, साहित्य में हिंदी साहित्य के घर में बोलबाला रहे, भोजपुरी साहित्य गावत गाना कविता कहीं कहीं से पढ़ के बुझाइल कि भोजपुरी के भी साहित्य होला। जब अकीलगढ़ भैनी तो बुझाइल कि साहित्य के विधा खाली हिंदी आ अंग्रेजी तक सीमित नहीं थे, भोजपुरी के एक बड़हन सागर में पौरे के मौका मिली अगर हम एहन उतरब। तो गांव देहात में जब शादी खातिर बारात लागेला दुआरे, तो कोठा पर चढ़ के छत जोना कहा छत कोठा ओके चढ़ के औरत सब माइक पे गंजन सब चलनी के चालल दुलाहा बढ़नी बाहर भा आपन खोरिया बाहर ही फलाना देव। तो ये सब गीत हमरा याद बार, बाकी ई ना मालूम रहे कि एक उत्पत्ति कहाँ से भइल रहे, एक सूत्रधार के रहे। बाकी जब भोजपुरी साहित्य पढ़े लगनी तो धीरे धीरे मालूम पड़ल कि एक चलनी के चालल दुल्हा बढ़नी बहार हो, एक में एगो मजाक एगो उलाहना नया मेहमान जे आवत रहुआ दुआरे ओकरा से चूहल पन्नी कई ई बाबा भिखारी के दिन रहल। भिखारी ठाकुर के बारे में ढेर पढ़े के मौका अब लागल हो, उनकर कुछ नाटक भी देखनी, उनकर पुरनका टोली से भी भेंट भइल, ये लोग अपन प्रदर्शन कैले रहे 2014 में दिल्ली में, 2013-14 में, तो गंगा स्नान
देख ले रहे भिखारी ठाकुर के ओजे से परिचय भई। ओजी तैयब हुसैन कुली जी के किताब भी रहे भिखारी ठाकुर, ओकरा से भी ढेर जानकारी मिलल। अब भिखारी ठाकुर के हमका कहीं कहे वाला लोग ढेर कह गई, वो लिखे वाला ढेर लिख गई बा। भिखारी बाबा के परिचय भिखारी बाबा खुद अपना ही देले मानी। कुतुबपुर पियारा के रहे वाला जात के ठाकुर, कहां से लोग उनका के नाटककार शेक्सपियर के संज्ञा देवेला, एक घोर देहात, एक निपट अनपढ़ जे कैसा हो केहू के सहायता से लड़काई में टोटा के रामायण बाटे के सीखलन आ एक से एक कविता लिखलन जिनका पे आज ढेर बड़का बड़का पढ़निहार लोग रिसर्च कर रहा है। भिखारी ठाकुर अपन परिचय में कहलन, नाम भिखारी काम भिखारी रूप भिखारी मोर, नाम भिखारी काम भिखारी रूप भिखारी मोर, ठाठ पलानी मकान भिखारी चहुदिशी भइल सोर। उनकर मूर्ति उनकर फोटो उनकर तस्वीर कहीं भी लोवा लोग की तो वो तस्वीर में एक दयनीय स्थिति लोग गेला। नाम के भिखारी तो काम के भी भिखारी आ रूप भी भिखारी के मोर, बाकी वो भिखारी भोजपुरी साहित्य के राजा रहे। भिखारी ठाकुर नाम बा भिखारी, लेकिन सबसे अमीर भोजपुरिया। यहाँ से बेसी हमारा जाने में केहू अमीर नहीं थे। साँच कहीं तो हम पिछला 4-5 साल से ही यहाँ के बारे में हम मैंने जाने शुरू की नहीं है, जननी है। जब तनी पढ़ाई लिखाई से बाहर निकली के बाहरी दुनिया में हो रहल बा, ओकरा बारे में तनी खोजबीन शुरू की नहीं, जाने पढ़े सब शुरू की तब यहाँ बारे में सुननी। जब अपना डुमराव अपना घर अपन बिहार से बाहर रहनी तो अक्सर मतलब हर एक कुछ कुछ दिन पे एक हफ्ते में 2-3 दिन यहाँ के बारे में मैंने सुनत रहने कि यहाँ कैसे अपन क्षेत्र में जब वो जमाना में रहत हो कम तो कैसे यहाँ के मैंने रूटीन होत हुई, कैसे यहाँ के चलत हो कम जात हो कम अपन सब प्रोग्राम करत हो कम ओकरा बैठ के प्रोग्राम के तैयारी करत हो कम घरे ओकर पूरा रिहर्सल करत हो कम का जोश होत हो कि का उमंग हो रही का पैशन जन कहल जला कला खरीद जन पैशन होला। कलाकार के सबसे बड़ जैसे आम आदमी सांस लेवेला, कलाकार आदमी पैशन पे जियेला, ओकरा खातिर और कुछ नहीं के कलाकार के खुराक खाली पैशन है। पैशन बा आदमी के भीतरी तो कलाकार जी ही। यहाँ के कैसन पैशन होई का होई एकदम मने कि का कहे के बटे बाबा के बारे में। हम जब बाहर रहे नहीं तो यह कुल इनके यहाँ के बारे में मन में आवत रहेला। जब डुमराव जानी मैंने अपना बिहार पटना से अपन एनी है अपन क्षेत्र में जब रहनी भोजपुरी क्षेत्र में तो हमारा जो तो तकरीबन डेली है हमारा ये चीज रोजे हमारा मन में ये ख्याल आ जाला कि बाबा कहियो आयल हुई है एने का और से गुजरल हुई है पैदल है चाहे एका पर एका तो ना बैलगाड़ी पर चाहे मैंने पैदलों गए लोग यहाँ अपन सब जी हम लोग संगतियाँ हुई हैं पूरा टीम हो खतु की ओह संग पूरा एकदम पूरा अपन जवार में है ने होने ढंगले हुई हैं एकदम मैंने सोच के एकदम हरेक रोआ खड़ा हो जाला मैंने इतना निमन लगेला बहुत बहुत सुंदर लगेला। अब यहाँ के बारे में यहाँ के बटे 10 तारीख के हमने के मनावे के बा मनाओ तो नहीं जा ये बाटी की बस भगवान से प्रार्थना में अब एगो यो चीज जोड़ दिले बनी पिछला 5-6 महीना से कि हे भगवान ई अपन जन बानी जा हमने के धरोहर सब बाड़न लोग यहाँ लोग के इस घोरी मत होके हमने के दिमाग से हमने के मन से बस श्रद्धा बनल रहे आदमी
इन्हीं लोग के नाम लेके हमने के बहुत कुछ भी करे के बटे, बहुत छोट जिंदगी बा, अब ढेर काम बाकी बड़ी सब करे के बा, आदमी करी लागल बा, बस बाबा जहाँ बड़े तहाँ से देखा तरे, अब साहस दे तरे, बस उन्हें बड़ा उठे नीचे। भिखारी ठाकुर नाव तो बचपन से ही सुनत बानी, खास करके जब गांव में कोनो नाट्य मंचन के लेके बात होत रहे, कोनो ऐसन चीज जौना में नाटक से जुड़ल होखे, गीत गौनाई से जुड़ल होखे, तो जब बात होत रहे तो लगभग सब वर्ग से का बड़ का के जैसन, मतलब हमेशा जब भी बात निकलल तब भी हर वर्ग से हम भिखारी ठाकुर जी के नाव सुनत आइल बानी। बस आदमी बतकही में होत रहे, लेकिन यहाँ के बारे में हमरा अगर कहीं संपूर्ण जानकारी जोन बा, पूरा तरह से जानकारी भिखारी ठाकुर रचनावली से मिलल, आ सूत्रधार नाव के एगो किताब भी है संजीव के लिखल, वो किताब के पढ़ला के बाद भइल। भिखारी ठाकुर रचनावली के पढ़ला के बाद मतलब यहाँ के बारे में बहुत कुछ जाने के मिलल, वही क्रम में कई जगह भोजपुरी के बारे में पढ़ला पर रेफरेंस में राहुल संकृत्यायन जी के और महेंद्र शास्त्री जी के दिहल उपाधि, मतलब शेक्सपियर के, भोजपुरी के शेक्सपियर आ अनगढ़ हीरा, ई दू गो उपाधि जो दिहल गइल बा, ओसे एगो इंटरेस्ट जोन बाटे, माने यहाँ के बारे में जानकारी लेवे खाती एगो बहुत ज्यादा उद्वेगले रहे, आ यहाँ के जानकारी यहाँ के बारे में लेवे खाती हम भिखारी ठाकुर रचनावली पढ़नी, हम कई गो तैयब हुसैन पीड़ित जी के कई गो रेफरेंस पढ़नी, हम ओकरा अलावा कई जगह शोध पत्र हम पढ़नी जोन कि यहाँ के बारे में भइल बा, कई गो किताबिन में यहाँ के जिक्र भइल बटे, हर चीज के हम पढ़नी, आ सब चीज पढ़ला के बाद जोन हमरा बुझाई कि अपना मातृभाषा खाती एगो आदमी का कह सकेला। ध्यान देवे वाला बात बटे कि भिखारी ठाकुर जी पढ़ल लिखल ना रहनी, एकरा बावजूद भी एगो साहित्य कहल जला, संजोग कहल जला, चाहे मन में कुछ बढ़िया करे के जोन भी होखे, मन जोन भी कारण वहां के मन में आइल होखे, लेकिन कहीं ना कहीं मातृभाषा खातिर समर्पण तो बढ़ले बा वहां के हर रचना में, हर गीत में, हर नाटक में। ई एगो भाषा के साहित्य के पहलू हो गई। एकरा अलावा अगर देखल जाओ तो समाज में फैलल ढकोसलापन आ ऊंच नीच के बड़ा बढ़िया से वहां के देखौले बनी अपन नाटकन में, बड़ा बढ़िया से एकदम मतलब हूबहू तस्वीर घींच देले बनी कि देख लो हये होता आ का सही बा आ का गलत बटे, एकर प्रस्तुति भी वहां के देले बनी अपन नाटकन में, आ हर नाटकन के सुखद अंत आदमी के कुछ नीमन करे खाती, कुछ बढ़िया करे खाती, सोचे खाती मजबूर कर देता टे। हमारा मालूम न कितना बदलाव भइल होई, बाकी इतना तो जरूर बा कि लोगन के जेहन में, दिमाग में ये बात तो बैठिए गई हुई। सामंती व्यवस्था से लेके, जात पात से लेके, मेहरारू संगे समाज के व्यवहार, हर पहलू के, हर रूप के, आज सबसे बड़ चीज जो समस्या भोजपुरियन के संगे रहा पलायन के, वो चीज के भी, अब पलायन से परिवार पर का असर पड़ा था, वो चीज के बड़ा बढ़िया से यहाँ के देखौले बनी, मैंने गर्व होला। आ शायद यह सब देख के यहाँ के सांस्कृतिक योद्धा के उपाधि दिहल गई बा, माने एगो भाषा खाती साहित्य, समाज खाती सांस्कृतिक क्रांति, आ समाज में फैलल बीमारियन के खिलाफ आवाज उठावे के सशक्त माध्यम नाटक के जरिए यहाँ के जोन जोन असर डलले बनी उ कबो खत्म होखे वाला नहीं है। समाज रही, संस्कृति रही, मातृभाषा के बात हुई तो भिखारी ठाकुर के बात होखबे करी। हम ए महान सांस्कृतिक योद्धा के बेर बेर नमन कर रहल बानी। उनकर जन्म के समय में कहल जा रहा
कि सात साँच मालूम नहीं थे कि कब भर जाए जन्म। बाकी वहाँ के आप नहीं कवि चौपाई में कहले बानी एकरा से अनुमान लगावल जा सकेला कि 1395 के हिंदी के पूस महीना के पूख जौना के हम कही लगा पांचवा तिथि के जहिया सोमवार रहे वही दिन 12 बजे के उनका जन्म भय रहे। तो भिखारी बाबा कहता नहीं अपन जन्म के समय में कि 1395 जहिया 1395 जहिया सुदी पूस पंचमी रहे तहिया रोज सोमवार ठीक दुपहरिया जन्म भइल ओही घरिया। भिखारी बाबा के रचना के संग्रह अलग अलग पब्लिकेशन से भइल बा। कुछ रचना कुछ संग्रह अभी बा कुछ लापता हो गई बा। तो भिखारी बाबा के जो कविता के कहानी के कविता के नाटक के संग्रह रहल ओकरा में मुख्य रूप से कलकत्ता से के कुछ पब्लिशर छपाई कैले रहल। वहाँ के जो कृति रहे उनपे आज लोग रिसर्च करते हुए भिखारी ठाकुर ग्रंथावली के नाम से 2 खंड में प्रकाशित उनकर सब रचना रखल पड़ू है भिखारी ठाकुर आश्रम कुतुबपुर सारण में। जहाँ लोग जाला वो किताबन के आगे माथा भी झुकावेला। वास्तव में ग्रंथ संग्रह वो रचना सबके जे फुटपाथ पे मेला पे कस्बा पे बुकलेट टाइप के छोटे छोटे पुस्तक के शक्ल में बिकत रहे वो सब किताबन छोट छोट किताबन के संग्रह के इकट्ठा करके भिखारी ठाकुर ग्रंथावली का रचना कैल गई बा। अब भिखारी बाबा के बचपन तो रहल गांव देहात में जस तस बाबूजी के ने छो में फलाइल वहाँ के चाहत रही कि जजमानी के काम सीखो। बाकी भिखारी बाबा के मन ना लागत रहे नेवता पे हानी में जाई तो नाच देखे चल जाई। यहाँ के लिखत बानी कि 30 वर्ष के उम्र होत होत कविता कला के प्रति मन में ऐसन जोर जागल आ यहाँ के अपना ही से कविता फूटे लागल। तो ओकरा के यहाँ के लिखो तनी कि 30 वर्ष के भइल उमरिया 30 वर्ष के भइल उमरिया तब लागल जीव तब से 30 वर्ष के भइल उमरिया तब लागल जीव तर से कहीं से गीत कवित कहीं से लागल अपने बस से। भिखारी बाबा की जोन शब्द रचना बनुए निठा ठेठ गवई बाकी कौनो मामला में एगो गढ़ल साहित्यकार से कम नहीं है। लोग दोहा चौपाई मात्रा गिन के लिखेला भिखारी बाबा के कोनो ज्ञान ना। बाकी वहाँ के जोन कविता का नाटक रच देनी वो कौनो मामला में बढ़िया बढ़िया साहित्य कारणों से आज के दिन में नारद। भिखारी बाबा के कुछ नाटक जोन बहुत प्रसिद्ध रहल उपन्यास के नाम बा बेटी बेचवा ओकरा के नाम दिया जाए बेटी वियोग। एगो नाटक रहे पिया निशय ओकरा के कलयुग बहार नाम दे दिए। नाटक बा गंगा स्नान नाटक का विदेशिया जोना पे विदेशिया फिल्म भी बनल बाकी वो हमें मूल कथानक से तोड़ मरोड़ दिया जाता है। भिखारी बाबा के एकमात्र वीडियो वही सिनेमा में बा जोना में सिनेमा वाला लोग उनका के
एक तरीका से धोखा देके बोलैल उनका से गाना गवैल। बाकी जौन विदेशिया के कथानक पटकथा भिखारी बाबा के नाटक से रहल उ सिनेमा में पूर्ण रूप से बदल दे। भिखारी बाबा के जानल उनका पे बोलल कोनो आसान काम नहीं है। कितना बोली मन भर के बात कहे के मन रहल। बाकी वहाँ के जब जीवन वृत्त में हम घुसतनी वहाँ के बारे में जब हम बात कर चाहतनी तो शब्द नहीं थी जीवन। वहाँ के जो रचना दे गई बनी उनके अभी बहुत शोध के विषय बा। वहाँ के एगो आदर्श रही भोजपुरी साहित्य खातिर एगो ऐसा चमकत सितारा तरेंगन जेकर रोशनी कभी भी मधिन न हो सके। आज के बात में हम इतने को हम भिखारी बाबा जोन दे बहनी ओकरा के हमने के आत्मसात कर दें क्या रुआ राह देखनी। अब हमने के राह धरे के बाद समाज के कुरीति के विरुद्ध रुआ आवाज उठैनी गीत कविता रचनी। अब ओकरा पे अमल के समय। आज के मन के बात में बस इतना। भिखारी ठाकुर के रचना संसार आ समाज पर ओकरा असर के बारे में चर्चा होखे लागल ई बहुत बढ़न बात बा। परंपरागत जातिगत ढांचा में जकड़ल समाज कुछ लोग के विशेषाधिकार दिले रहे और कुछ लोग के ऊपर तमाम तरह के अयोग्यता लाद दिले रहे। विषमता देख के भोगे वाला लोग छटपटाव तो जरूर बाकी धर्म के ढाल ए छटपटाहट के सामने ना आवे देव। विशेष वर्ग हमेशा अपना के सामान्य वर्ग से काट के राखे। भाषा रीति रिवाज बोलचाल रहन सहन पहनावा ओढ़ावा हर चीज में लोक जीवन से दूरी बना के रखे। लेकिन पर्दा के भीतर सब कुछ ठीक ना रहे। खेती से कुछ होखे वाला ना रहे। आडंबर में लपेटाइल तथा कथित उच्च जाति के लोग स्त्री के घर से बहरी ना निकले दे। मूल आवश्यकता जब दबाव बनावे तो रोजी रोजगार के तलाश में पलायन करे के पड़े मर्द के। भोजपुरिया समाज में एगो प्रवृत्ति बा कि जब ले लड़किया के ब्याह ना हो जाओ वो अपना के जिम्मेदार ना समझेला। ब्याह भइला के बाद यथार्थ के बोध होखते ब्याहता के छोड़ के दू पैसा कमाए के चक्कर में मरद मेहरारू के विलगाव हो जाला। मेहरारून के सिसकी पुका फार के बहरी आवे लगेला। यही घरी आजादी के लड़ाई उफान पर रहे जे भी साहित्य लिखे खातिर कलम उठावल उ स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र में राखल। जेकरा शब्दन में जितना धार रहे उतने बड़ लेखक के कतार में खड़ा हो चल गई। भिखारी ठाकुर से नियति के कुछ और करवावे के रहे। पर्दा के भीतरी के हुक उनका के दिन रात को चोटे। समाज के ढोंग देख के उनकर खून जर जाओ। पुरुष प्रधान समाज के खोखलापन देख के उनका उबकाई आ जाओ। भावना के ज्वार भीतर ज्वालामुखी के रूप ले ले रहे। एकर निकलल जरूरी रहे। लावा बहरी निकलल अपना आँच से केहू के ना छोड़लस। सबसे आश्चर्य के बात ये रहे कि ढकोसलापन पर होखे वाला सारा हमला व्यंग के शक्ल में रहे। जेकरा खातिर कहाव उकर करेजा फाट जाओ तबो बनावटी मुस्कान अपना चेहरा पर ले रहे। भिखारी ठाकुर जवन भी लिखलन अपना परिवेश से प्रेरित होके लिखलन। दुल्हा के गोल रंगत घरी सिकुड़ाइल चाम देख के बेटी बेचवा लिखाइल। बिरहिन सन के टपकत लोर देख के विदेशिया लिखाइल। शरीर आ सामाजिक ताना बाना के द्वंद गबर घिचोर के रूप में सामने आयल। घर परिवार के प्रपंच पुत्रवध आ भाई विरोध में जीवंत भइल। ढकोसलापन गंगा नहान में दिखल। ए सारा नाटकन के मंचन खुला आसमान में एगो पेट्रोमैक्स के रोशनी में होखे। तीन तरफ से खुला मंच दरी पर बैठल कलाकार आ कलाकार लोग के
एगो सूत्र में बंधले सूत्रधार भिखारी ठाकुर। इस वंदना करके मूल विषय के शुरुआत होके मनोरंजन के लहर में धीरे से सुई चुभा दिया आ फिर ऊपर मरहम भी लगा दिया। चारों ओर भिखारी ठाकुर के नाम गूंजे लागल, लेकिन अपना नाम के वजह अपन काम ना मनले भिखारी ठाकुर। अपना लोकप्रियता के सारा श्रेय भोजपुरी भाषा के दिलन। वो खुद कहले बाड़न, झूठहू राम नाम कहला से भोजपुरी भाषा गहला से असही नाम फैलते जाता रेडियो से काशी कलकत्ता। आज भले वो महान आत्मा हमनी के बीच नहीं खे, बाकी युग युगांतर तक हमनी के हृदय पर राज करी। भिखारी बाबा के खलिहा हम एगो रंग कर्मी ना बल्कि भोजपुरी रेनेसा के अगुआ के रूप में देखिला, जेकर हथियार गीत संगीत नृत्य आ अभिनय रहे। भिखारी बाबा जवन समाज से आवत रही उहिजा सामाजिक शोषण कुरीति मेहररुवन के दुर्दशा परिवार के सदस्य के बीच मतभेद उहां के बड़ी करीब से देखले रही। ये सब कुरीति पर उहां के आपन कला के माध्यम से बरियार चोट कैनी। बेटी बेचवा गबर घी चोर कलिजुग प्रेम जैसन उनकर कृति एकर साक्षात उदाहरण बा। भिखारी बाबा के उठावल सवाल खलिहा भोजपुरी क्षेत्र ही ना समूचा देश में आजुओ उतने प्रासंगिक बा, जवन भिखारी बाबा के एगो क्षेत्र में सीमित ना रखे बल्कि ग्लोबल बना देवेला। भिखारी बाबा के नाटक के मंच व्यवस्था पर गौर करम तरुआ देख सकीला कि यहाँ के मंडली सीमित संसाधन में ही नाटक करत रहे, कोनो विशेष ताम झाम ना रहत रहे। बाकी जबरदस्त अभिनय आ लोक जीवन से जुड़ल प्रसंग होखला से गांव के दर्शक लोग जल्दी कनेक्ट हो जात रहे। जब भिखारी बाबा 70 बरिस के उम्र में 16 साला लड़की के अभिनय करस तो सभे दांत तरे अंगूरी दबा लेवे। भिखारी बाबा तो आज हमनी के बीच नहीं थी, लेकिन उनकर थाती उनकर कृति मौजूद बा। समय आ गइल बा जे यहाँ के रचना के सौसे भोजपुरिया समाज आवाज बन के दूर दूर ले पहुँचावे। आज जब भोजपुरी गीत संगीत फिल्म में अश्लीलता अपन पकड़ बना ले बा, भोजपुरी रंगमंच सिकुड़ रहल बा, तब ई काम और जरूरी बुझाता। यह भिखारी बाबा के प्रति सांच श्रद्धांजलि रही। 10 जुलाई के भिखारी बाबा के पुण्यतिथि हो, यह अवसर पर हम उहां के बारे में अपना मन के बात एगो रचना के माध्यम से भेजतानी। ये एगो हमार छोट प्रयास उहां के श्रद्धा सुमन के रूप में बा। नाम के भिखारी बाकी काम के सरताज रहन, नाम के भिखारी बाकी काम के सरताज रहन, हमारा नज़र में भिखारी बाबा भोजपुरी के ताज रहन। बन्हले समाज के उस शब्दन के जाल से, बन्हले समाज के उस शब्दन के जाल से अंगूरी दांते काटे लोग उनका कमाल से। सांच के सलहिया आ वक्त के आवाज रहन, सांच के सलहिया आ वक्त के आवाज रहन, नाम के भिखारी बाकी काम के सरताज रहन। नाच गाना संगवा में दर्शन समेट के, नाच गाना संगवा में दर्शन समेट के मरले कुरीत के दूर ले चहेट के। माई भाखा भोजपुरी के हियरा के नाज रहन, माई भाखा भोजपुरी के हियरा के नाज रहन, नाम के भिखारी बाकी काम के सरताज रहन। भिखारी ठाकुर जी के संदर्भ में हम यह कहें कि वहाँ के बाद एगो दोसर भोजपुरी के युग के शुरुआत भइल। भोजपुरी भाषा के प्रति वहाँ के दिल में प्यार इज्जत, चाहे वहाँ के भोजपुरी के अनमोल कृति बेटी बचवा विदेशिया कलयुग प्रेमा चाहे भाई विरोध चाहे गंगा स्नान चाहे वहाँ के लिखल गावल भोजपुरी लोकगीत, ये सब भोजपुरी के अनमोल धरोहर बा। भाषा के प्रति वहाँ के समर्पण के भाव से हमनी के कुछ सीखे के चाही। वहाँ के जितना लगाव रहे भोजपुरी से आज के युवा पीढ़ी के वहाँ से सीखे के चाही। ऐसे तो हमरा गावे ना आवेला, लेकिन हम दू लाइन जरूर गायम कि बाबा भिखारी कहस, बाबा भिखारी कहस, भोजपुरी हमर जान हो,
एकरे संग सूती उठी है हमर परान हो, एकरे संग सूती उठी है हमर परान हो। करी ले निहोरा सबसे, करी ले निहोरा सबसे, एकरा करीब ते नियाई, करी ले निहोरा सबसे, एकरा करीब ते नियाई। कदम बढ़ाई चली, कदम बढ़ाई चली, रौर गुनगुनाई, रौर गुनगुनाई। माई भाषा होवे राउर, माई भाषा होवे राउर, एकर मान बढ़ाई, एकर मान बढ़ाई। काहे लजात बानी एकरा के गले लगाई, हे भैया काहे लजात बानी एकरा के गले लगाई। भोजपुरी फले फूले इहे अरमान हो, भोजपुरी फले फूले इहे अरमान हो। बाबा भिखारी कहस भोजपुरी हमर जान हो, बाबा भिखारी कहस भोजपुरी हमर जान हो। आज अपना व्हाट्सअप और फेसबुक के पेज पर ग्रुप में हम इतना ना भिखारी ठाकुर जी के बारे में सुन लेले बानी कि हमारा अभी कुछ भावना अधूरा रह गई बड़ी सब जन हम अपन वीडियो भेजले बानी। असल में कहा कि हम वहाँ के दो चार लाइन जोन सुनले बानी ओकरा के कुछ गुनगुना के ग्रुप में भेजल चाहतनी, तो अगर कुछ गलती होके तो माफ़ करब सबे, तनी झेल नहीं सबे हमरा के। वहाँ के एगो बेटी बेचवा नाटक में के दू लाइन हमारा बड़ा गहरा तक ले घुसल बा अभी ले। उ लाइन ऐसे बा, अरे मुहावा में दांत नहीं खे, हलुआ घोटात नहीं खे, अरे बूढ़ा बर से कईल सगाई मोर बाबूजी, बूढ़ा बर से कईल सगाई मोर बाबूजी। ये लड़की के भावना बा। रुपया गिनाई लिहल पगहा धराई दिहल, रुपया गिनाई लिहल पगहा धराई दिहल, अरे चेरिया के छेरिया बनवल ए बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवल ए बाबूजी, बूढ़ा बर से कईल सगाई मोरे बाबूजी। एकरा बाद वहाँ के जोन पेशा रहे मेन ओहू के वहाँ के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा वो मौजूद रहे, यही के बारे में भिखारी ठाकुर जी कहले बनी, हम कहीं सुनले रहनी दूर लाइन। अरे छुरा छूटल नाच के जोर से, अरे जोर से जोर से जोर से, छुरा छूटल नाच के जोर से, चिट्ठी नेवती छुरा चलाई, चिट्ठी नेवती छुरा चलाई, चिट्ठी नेवती छुरा चलाई, पैसा मांगी ना बाबूजी के डर से, पैसा मांगी ना बाबूलो के डर से, छुरा छूटल नाच के जर से। बिहारी बाबा भोजपुरी खातिर का रहनी
वहाँ के अपन माई भाषा भोजपुरी खातिर का कहनी ई जग विदित बा। हमार शब्द ओछ पड़ जाए ऐसे हम वहाँ के अस्तित्व पर प्रकाश डाले के प्रयास ना करें। आज के संदर्भ में हम बस इतने कहे के चाहेब कि ऐ भोजपुरी के सपूत आज तहार जननी लचार बाड़ी, कुछ असामाजिक लोगन के बीचे उनकर अस्तित्व संकट में बा, छो छो पाती रोवत अपना लोर से भोजपुरिया माटी के भिजावत, एह ताक में बाड़ी कि फिर से तू जन्म लेके आव। ऐ भिखारी मत मौन धर, धरती पर आव उद्योग कर। ऐ भिखारी मत मौन धर, धरती पर आव उद्योग कर। लोग लूटत व हमके बीच बाजार में, आव आके हमार दुखर, आके हमार दुखर। माई भोजपुरी के इज्जत आज चाक चौराह पर नीलाम होता, आ माई के कोही जन्मल भोजपुरिया सपूत ही होकर लुगा बीच बाजार में उतारल बाड़े, आ अपना दशा पर रोवत कहत बाड़ी। रोवे ले भोजपुरी पीटे ले छाती, कौनो पूतना भैले संघाती। रोवे ले भोजपुरी पीटे ले छाती, कौनो पूतना भैले संघाती। चमड़ी नोच नोच ढियवा खा ले, आपन दुख हम केकरा से बाटी। ऐ भिखारी बाबा अपना माई के, हमनी के माई के इज्जत बचावे फेरू से आजा, आजा ए वीर सपूत, माई के इज्जत लुटाता, माई के इज्जत लुटाता। प्रणाम, हमार नाम अनिमेश कुमार वर्मा है। कहे के तो हम भोजपुरी बानी, कहे से कि भोजपुरी माटी में जन्म लेले बानी। बाकी जवन माटी भिखारी ठाकुर ऐसन महान हस्ती के जन्म दहलस, जिहा के आज पुण्यतिथि बा, माटी जब हमरा से पूछे ले कि बाबू कौन हिसाब से अपना के, तो वही माटी के लाल कह तरह, जब तारा साथ के लोग भोजपुरी के चीरहरट कर रहल बा, तो हमने शब्द रह जानी। आज के दिन हमरा लगे कौनो जवाब नहीं के, रौरा सभी लगे होखो तो जरूर बताएं। ऐसे भिखारी बाबा के बारे में हमरा से पहले सभी कुछ इतना नीमन नीमन बात कह चुकल बा कि वहाँ के बारे में हम कुछ और ही बयान तो बस दोहरा दें। भिखारी बाबा के नाम हम बचपन में सुन ले रहे, बाबा पापा लोग के मुँह से, कभी कहीं गोष्ठी में, साँच कहीं तब बचपन में हमारा इतना ना पता रहे सब। बड़ बनी तो माटी से दूरी भी बढ़ल, बस भोजपुरी साथे रह गए रहे। बाकी एक समय आयल जब हमारा अपन इतिहास जेकरा बारे में कबो केहू ढेर बात ना करेला कि जाने के मन भेज, तजे सबसे बड़का नाम हमरा मिलल भिखारी ठाकुर जी के रहा। वहाँ के लगे कोनो औपचारिक शिक्षा ना रहे, बाकी वहाँ के उस समय में दिखल शिक्षा के बाद आज के पढ़ल लिखल समाज में भी उतने प्रासंगिक बा जितना वो गरा रहे। वहाँ के नाटक, भजन, कविता आदि समय के साथे साथे चलत आयल बाड़ी सन। नारी जीवन के बारे में वहाँ के जवन सोच रहे, वो बेरा ढेर लोग के माथा के ऊपर से गुजर जाओ। भोजपुरी के गद्य साहित्य में प्रवेश भी वहाँ के ही देन बा। खैर, हम जैसे कहनी बहुत कुछ कहल जा चुकल बा, हम दोहराए तो बस समय जियान करे। बस इतने कहे के चाहतनी कि वो माटी के कर्ज तो ना उतार पाए हम जीते जी, बाकी वो इज्जत के कायम रखे के अपन जी जान लगा दें, जो नो माटी के तब मिलल होगी जब भिखारी ऐसा महात्मा जन्म ले ले होगी। प्रणाम सभी के। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद रुवा श्रवण के। जय भोजपुरी, सादर धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। जय भिखारी, जय भोजपुरी, और जय हमारी जो माटी। धन्यवाद। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी, जय बाबा भिखारी। धन्यवाद। जय, जय भोजपुरी। धन्यवाद। जय भोजपुरी। यही शुभकामना के साथ भगवान करो कि और से और हमनी के संस्कृति बढ़त जाओ और इसमें से और सपूत पैदा हो कस लोग। रहुआ से हम अब समय चाहब। नमस्कार।